वही मैं बोला था, अगर तुम कल वहाँ बैठते तो तुम्हें पता चल जाता। ड्राइव उसमें बोला था, देखो देखो हमारे पास क्या है, PCL 3 PCL 5। अबे सुन लो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही रहती है, बड़े से बड़े 30 मार्क आ जाए तो केमिस्ट्री जाता है ना, उन्हें भी इसका आंसर नहीं मिल पाता है। क्या है कि यार कभी तो हम किसी का अगर 3 लगा देते हैं, कभी ट्राई डाइट राइट लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते। जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं AlCl3, हर किसी को ऐसा लगेगा एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला जाएगा। कैल्शियम CaCl2 है, अब किसी को ऐसा लगेगा कैल्शियम डाइक्लोराइड बोला जाएगा, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं बोलेगा, कैल्शियम क्लोराइड बोला जाएगा। अभी PCl3 आ जाए तो अब ये फास्फोरस क्लोराइड नहीं बोला जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोला जाएगा। हो गई हालत खराब। अब कोई कहेगा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए होता है अगर कोई एक तत्व, एक ही तत्व अपने दो रूप प्रेजेंट करता है तो फिर उसके आगे हमें डाई ट्राई लगाना पड़ता है। अब डाई ट्राई लगाने के दो तरीके हैं, अगर कोई एक ही तत्व दो संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है या दो सिंगल अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, तो या तो हम उसका नाम बदलें, या तो उसका नाम बदलें, फेरिक या फेरस बोलें तब हमें पहचान पड़ेगी, या हम उसकी संयोजकता का नाम बदलें, डाई ट्राई लगाएं, समझ गए। तो अब हमारे पास यहाँ फेरस, सुनो दर, अब जैसे हमारे पास एफ ही है, अब अगर हम इसका आयरन डाइक्लोराइड बोलते तो आयरन ट्राइक्लोराइड बोलना पड़ता, लेकिन आयरन अपना नाम नहीं बदलवाता ना, आयरन वो आयरन अपनी संयोजकता नहीं बदलवाता, आयरन अपना नाम ही बदल देता है पूरा। अब एफ ही आयरन नहीं बोला जाएगा, लेकिन ना भाई हम तेरे ना तेरे, यहाँ फेरस बोला जाएगा या फेरिक बोला जाएगा, तो आदमी उसे ही समझ जाएगा, अच्छा फेरस है दो वाला होगा, फेरिक है 3 वाला होगा। अब फास्फोरस देखो, ये फास्फोरस अपना नाम नहीं बदलवाता, वो फास्फोरस अपनी संयोजकता नहीं बदलवाता, वो अपना नाम स्थायी रहने देता है, ये तो फास्फोरस है, तो फास्फोरिक या फास्फोरस नहीं बोला जाता, फास्फोरस फास्फोरस ही बोला जाएगा। अब जब फास्फोरस बोला जाएगा, किसी ने लिख दिया भाई 3 और किसी ने लिख दिया 5, अब ऐसे ढका हुआ है, कैसे पहचान करोगे? तो उसके लिए फिर हमें डाई ट्राई बोलना पड़ेगा, क्योंकि फास्फोरस जब अपना नाम नहीं बदलवा रहे तो फिर नाम किसका बदले, तो उससे अगले वाले का बदला जाएगा। अब देखो सर, सुनो सर, अब कोई कहे एल्युमिनियम का इसमें कैल्शियम का नाम क्यों नहीं बदला, कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम दो रूप दर्शाते नहीं है, कैल्शियम अपनी संयोजकता की वजह से दो आया है, मतलब कैल्शियम तो सीएल, अगर कैल्शियम एक होती तो सीएल कैल्शियम एक लेता, अब कैल्शियम के ऑक्सीजन अवस्था दो है इसलिए से दो लेने पड़ने, तो इसका मतलब इसलिए दो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये डाई है, तो इसलिए आया क्योंकि इसकी संयोजकता दो हो रही है, ऑक्सीजन अवस्था दो हो रही है। अब जब ऑक्सीजन अवस्था दो हो रही है तो दुनिया में कैल्शियम एक ही पाया जाता है, वो दो वाला होता है, तो तुम इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो तो इसकी संयोजकता पूरी करने के बस आया है। हाँ, एक कैल्शियम अभी एक ऐसा पाया जाता, एक कैल्शियम ऐसा पाया जाता और एक कैल्शियम ऐसा पाया जाता, तो फिर हमें उनकी उनमें यार अंतर करने के लिए हम नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो एक हमें कार्बन मोनो बोलना पड़ता कैल्शियम, एक कैल्शियम डाई बोलना पड़ता, एक कैल्शियम ट्राई बोलना पड़ता, ये होता है कॉन्सेप्ट। हाँ, तो आप देखो सर, अब जैसे एफ ही है, एफ ही है, एफ ही पे 2 है, एफ ई पे 3 है, तो अगर हमने यहाँ Cl2 लिख दिया और Cl3 लिख दिया तो तुम्हारे पास एक सीधा रास्ता ये था कि तुम आयरन डाइक्लोराइड बोल देते, आयरन ट्राइक्लोराइड बोल देते, डाई ट्राई, लेकिन आयरन डाई ट्राई नहीं लगवा रहे, आयरन ने अपना खुद ही नाम चेंज कर लेना पहचान के लिए, एक फेरस बन गया एक फेरिक बन गया, नहीं लिख सकते क्योंकि जब नाम केमिस्ट्री में हमारा चेंज हो गया, नियम बन गया कि आयरन को आयरन नहीं बोला जाएगा, तो अब क्या बोलेगा? अब देखो सर, नॉर्मली किसी से बोलोगे ना, नॉर्मली किसी से बोलोगे हर कोई कह देगा कॉपर सल्फेट है, ये सामान्य नाम है। अब दरअसल कॉपर सल्फेट ठीक है, अब यहाँ बोल देगा कॉपर क्लोराइड है, लेकिन ये भी तो होता है, अब कैसे करोगे, ये भी कॉपर क्लोराइड है, तो इसलिए अब केमिस्ट्री में नियम बना दिया, मतलब जिसने भी बनाई होगी केमिस्ट्री शुरू में ही, उसने नियम बनाया कि जब दो एक ही आदमी जब दो रूप दर्शा रहा है तो उसके नाम दोनों के अलग अलग होने चाहिए, जब दो दर्शाएगा तो उसका नाम क्यूप्रिक बोलो, जब एक दर्शाएगा तो क्यूप्रस बोलो, समझने वाले को पहचान पड़ गई ना समझने वाले को पड़ गई। लेकिन जब एक ही तत्व अपना नाम नहीं बदल रहा है, वो तो कह रहा है भाई मैं तो अपना नाम नहीं बदला, मैं तो फास्फोरस रहने दूंगा, तो फिर उसकी मजबूरी है कि जो आगे जोड़ने वाली चीज है उसके आगे नाम बदलो फिर, समझिए। तो अगर जो फास्फोरस अपना नाम नहीं बदलवा रहे तो फिर डाई और ट्राई बोला जाएगा। एल्युमिनियम जब दुनिया में एल्युमिनियम एक ही पाया जाता है तो अब ट्राई ट्राई नहीं लगाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड है। अब अगर जो कोई एल्युमिनियम क्लोराइड बोल रहा है ना, अरे जब कोई तुमसे कैल्शियम क्लोराइड बोलेगा वो कहेगा कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो तुम क्या बेवकूफों की तरह ये लिख दोगे क्या? तो अब तुम इसमें कहोगे 2 है CaCl2 लिखोगे तो कोई तुमसे ये नहीं कहेगा यार कैल्शियम डाइक्लोराइड ने क्यों नहीं बोल ले, कैल्शियम डाइक्लोराइड ने क्यों नहीं बोले? आप कहोगे यार तुमका नहीं वो ऐसे ही होता है यार इसकी संयोजकता पूरी है, तो फिर वो अगला क्वेश्चन ये डाल देगा अनल फिर इधर ट्राई क्यों बोल रहे, इधर ट्राई क्यों बोल रहे, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बोलना पड़ेगा इसे। तो तुम ये कहोगे
कि भाई क्योंकि फास्फोरस एक से अधिक रूप दर्शाता है, इसलिए ऐसे डाई ट्राई लगाने जरूरी पड़ते हैं, जबकि कैल्शियम का दुनिया में एक ही रूप है, इसलिए हमें डाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया भाई। और ये बात मैंने तुम्हें आज बताई है, दुनिया की किसी किताब में या गूगल पर ढूंढ के दिखाती हूँ? नहीं है, ये तो सोचने वाली बात है, बता लो। नहीं है जी, अरे नहीं मिलेगा, कौन सा डॉक्टर, अब नहीं मिलेगा। अबे सुनो, इधर बहुत सारे लोग ना इंटर पास करके निकल जाते हैं, कोई मुझसे पूछता नहीं, तो हो सकता हम भी नहीं बताते क्योंकि हमें अपने सिलेबस करना होता था, आज पूछ ले तो मैंने बता दिया, समझ गए नहीं? अब क्यों बता दिया, क्योंकि अबे सुनो इधर बहुत सारे लोगों पे, अभी तुम्हें किसी को अटकाना है, किसी को पूछना है, तो तुम उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई सुनो इधर, अना इसका नाम बता भाई, अना भाई कैल्शियम क्लोराइड, अना इसका नाम बता, अना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अना इसमें ट्राइक्लोराइड में डाई क्यों आया भाई? हमारे पास दो रास्ते होते हैं चेंज करने के, बस यही चक्कर होता है यार, उतार लेते हैं तुम्हारे कर्ल एंड डी ब्लॉक करेंगे, बाकी तो जो कर सकते हो कर लो। देखो इधर ऑक्सीजन से क्रिया करोगे ना, ऑक्सीजन से क्रिया, तो देखो ये बना देगा FeO Fe2O3, अगर सल्फर से क्रिया करोगे तो FeS बना देगा, Fe2S3 बना देगा, ये सब होते हैं क्लोराइड के ना, अभी क्रिया करके नहीं दिखाने, उसमें लिख दोगे हैलोजन से क्रिया करने वाले ऊपर वाले लिख दोगे, ऑक्सीजन से क्रिया करने वाले में बीच वाली, सल्फर से क्रिया करने वाले नीचे वाली, और हेडिंग डाल देंगे ये है ब्लॉक के तहत।